बाकी उसमें एक चीज मेरे को काफी सीरियस लगी जो उसको नहीं करना चाहिए था उस। सो हे गाइस, द नॉट फैक्ट हियर। तो इस वीडियो में बात करना है एलविश यादव के बारे में। तो जैसे कल क्रेजी दीप ने एक रोस्ट वीडियो निकाला था एलविश यादव पर, जिसमें उन्होंने काफी नेगेटिव बातें बोली थी एलविश यादव के बारे में। तो वो रोस्ट वीडियो एलविश यादव ने भी देख लिया। एलविश यादव को सारी बातें उनकी सही लगी, लेकिन एक बात उन्हें सही नहीं लगी, जिसके बारे में बताते हुए आज के ब्लॉग में कुछ ये कहे। रोस्ट देखा मेरे ऊपर, एक रोस्ट निकाल रखा हमारे एक भाई ने, अपना एक भाई है, तो नहीं कोई हेट नहीं है ना कोई, वैसे मजाक मस्ती वाली बात है। तो बस वो बोलना था कि उसमें ना, जैसे कि सही था, रोस्ट था, नो डाउट कंस्ट्रक्टिव रोस्ट था, क्रिटिसिज्म था, बंद करना एक बार इसको, आपको कॉपीराइट लगवा दे। क्रिटिसिज्म था, कंस्ट्रक्टिव, बहुत सारी चीज़ें उसमें सही भी थी, बहुत सारी चीज़ें उसमें पुरानी थी, मतलब जिनका कोई इस टाइम मेरे हिसाब से तुक नहीं बनता किसी की पुरानी वीडियो उठा के। अब मैं, चलो मैं तो करता नहीं है काम। बाकी उसमें एक चीज़ मेरे को काफ़ी सीरियस लगी जो उसको नहीं करना चाहिए था, उसने हाथरस वाले केस को लेकर, मतलब इतना बड़ा सीन, मतलब इतना बड़ा केस को मेरे इससे कंपेयर करा, वो चीज़ मेरे को काफ़ी गलत लगी। बाकी ओवरऑल भाई मेरे को कोई हेट नहीं किसी से, दुनिया रोस्ट निकालती है, पहले भी निकालती थी, अब भी निकाल रही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तुम्हारा भाई अब वो हो चुका है, इन सब चीज़ों से आगे बढ़ चुका, तृप्त हो गया, इनसे आगे बढ़ गया, ज़िंदगी में आगे निकल गया, कई बार पीछे रह गया, कोई नहीं, बढ़ जाएंगे वे भी आगे। पर जो वो वाली चीज़ थी ना, हाथरस वाला सीन, उसने मेरे से कंपेयर करा वो मेरी वाली बातों से, तो वो चीज़ मेरे को सही नहीं लगी। होप करता हूँ समझ आएगी। मैंने उसको बोला भी, मैंने कि भाई बहुत अच्छा रोस्ट था, ये सारी चीज़ें सही थी, बट जो हाथरस वाला आपने सीन जो कनेक्ट करा ना, वो काफ़ी गलत लगा। ओवरऑल भाई हम तक क्या ही है। तो गाइस, जिस पर आपका क्या कहना है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो नेक्स्ट अपडेट में बात कर ले मो इनसाइड हिट के बारे में। तो दरअसल ये एक व्लॉगर है, तो उन्होंने आज की जो वीडियो अपलोड की उसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने कैसे अपनी जर्नी एक छोटे से फोन से स्टार्ट की। उन्होंने पुराने फोन की कुछ क्लिप ऐड की, चलिए मैं आपको वो दिखाता हूँ। अभिजीत का न्यू फोन भाई, वो वाला फोन भी दिखा देना एक बार, ये फोन से हम लोग कितना सारा ब्लॉगिंग किया है। ये भाई मस्त फोन लग रहा था, 11R भाई देख लो, ये वाले फ़ोन से हम लोगों ने कितना सारा ब्लॉग किया है। ये रेडमी नोट 6 प्रो है ना कि 7 प्रो? अच्छा नोट 5 है, ये रेडमी नोट 5 है। ओ भाई, इससे भी बहुत सारा मेमोरी जुड़ा हुआ है। तो नेक्स्ट अपडेट में बात कर रहे हैं लव कटारिया के बारे में, जो कि एलविश यादव के टीममेट है। दरअसल उन्होंने एक गेमिंग चैनल ओपन किया है। उन्होंने टेलीग्राम पर बताते हुए लिखा कि उन्होंने नया एक गेमिंग चैनल बनाया है, अगर आप उनका चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतने ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।